हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शुभम परवाना आपके लिए लेकर आया हूँ फनी स्टोरी पार्ट टू पेपा पिग की। मैं शुभम कुमार, आपका स्वागत है पेपा पिग की फनी स्टोरी पार्ट टू में। हाँ, तो आ गए पेपा के घर पे। ये रहा पेपा का घर, बहुत ही खूबसूरत घर है। ये इसके ऊपर के छज्जे हैं और ये अंदर का सीन है। अभी पेपा को देखते हैं कहाँ पे पेपा है। उस घर पे एक शेर आ चुका है, ये हम पहले से ही जानते हैं। अभी देखते हैं शेर कहाँ है। शेर तो बगल में ही खड़ा है। हे भगवान, अब पेपा का क्या होगा? पेपा कहाँ गया? शेर कर क्या रहा है? ये किसको देख रहा है? लग रहा है ये भूखा है और इसने कुछ दे दिया है खाने के लिए। मगर ये तो बहुत शेर खतरनाक है। लग रहा है ये शेर अब यहीं बस जाएगा। पेपा को इसको निकालने के लिए बहुत मुश्किल होगी। ओ नो, ये तो देख रहा है यहाँ पर गाय और डॉगी और भेड़ और बकरी खड़ी हैं जो पेपा के दोस्त हैं। ये सारे डरे हुए हैं। ओ माय गॉड, लग रहा है ये पेपा को बुला रहे हैं। पेपा पेपा की आवाज़ लगा रहे हैं। अब लगता है कि पेपा इनके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी। पेपा अपने जंगल के साथियों के साथ मिलके इतनी प्यारे जानवरों को छुड़ाने जरूर आएगी। कहीं पेपा घर के अंदर तो नहीं है? चलो आओ देखते हैं। मगर यहाँ पर तो कोई नहीं है। मगर पेपा नहीं है तो फिर पेपा है कहाँ? ये इतने प्यारे जानवर शेर से डर के मारे यहाँ खड़े हुए हैं, पेपा को बुला रहे हैं। लग रहा है पेपा इनकी आवाज़ कब सुनेगी। यहाँ पर शेर इनका इंतज़ार कर रहा है बाहर निकलने का। मगर लगता है कि पेपा अंदर भी नहीं है। अंदर तो कोई भी नहीं है। चलो ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ पर तो कोई नहीं है। पेपा लगता है अपने साथियों को लेने जंगल गई है अपनी फैमिली के साथ। आओ देखते हैं पेपा है कहाँ। डैडी, हमारे जानवर दोस्त जो हैं वो खतरे में हैं। शेर हमारे घर में घुस गया है। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। डैडी, तो हम क्या करें? हम नहीं पेपा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। हाँ पेपा, तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तुम्हें अपने दोस्तों को बुलाना पड़ेगा जंगल से। पर मेरा दोस्त है कौन डैडी? मेरा कोई दोस्त नहीं क्या जंगल में जो शेर से मिल सकता है? हाँ, भालू राम। भालू राम इसको जरूर पा देगा शेर को। जाओ अपने दोस्तों को जंगल से लेके आओ। ये कैसे लाएगी? मैं लाऊंगी, मैं जरूर लाऊंगी। मैं जाके जंगल से भालू राम को लाऊंगी। पेपा, जंगल में संभल के जाना। वहाँ पर उससे भी ज्यादा खतरनाक शेर हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी आप देखो। पेपा के घर में शेर घुसा है, इसे कौन मार के भगाएगा? ये तो सिरदर्दी हो गई हमारे लिए। पर हम कर भी क्या सकते हैं? पेपा ने बुलाया है तो खाना ही पड़ेगा। चलो देखते हैं। भालू राम आ गए, भालू राम आ गए, भालू राम हमारे घर में शेर घुसाए हैं। प्लीज हमारी हेल्प करो। वहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी हैं जो घर के पीछे बंधे हुए हैं। प्लीज उन्हें छुड़वा दो। और हम छुड़वा तो देंगे, पर शेर गया कहाँ? पेपा, तुम एक काम करो, हमें घर तक लेके चलो। हम आगे चलते हैं, तुम जीप में बैठ के आओ, फिर देखते हैं। पर मैं कैसे आऊंगी? मैं अकेली नहीं आऊंगी, मैं सबको साथ में लेके आऊंगी। मैं अकेले आऊंगी तो मुझे डर लगेगा। भालू राम, उसे भगा तो दो ना। हाँ
हाँ कोशिश करते हैं, शेर छोटा मोटा जानवर नहीं होता है। चलो आराम से गाड़ी चलाओ वरना मैं गिर जाऊंगी। धीरे धीरे चलाओ, हम भालू से पहले न पहुंच जाए। तो यहाँ भालू राम को लेके आई है ये। शेर शेर कहाँ है? तो पेपा अपने घर के पास पहुंच गई है, यहाँ पर उसको शेर नहीं मिल रहा है। वो अपने घर में चारों तरफ देखती है शेर को ढूंढने के लिए। पेपा थोड़ा आगे जाके भी देखती है, घर के अंदर भी देखती है, मगर उसको शेर दिखाई नहीं देता। अचानक वो थोड़ा सा आगे जाती है और शेर उसको दिखाई दे जाता है। और शेर को देखने के बाद पेपा के मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है। पेपा कहती है, अरे राम मुझे तो मार दिया, मैं नहीं लड़ पाऊंगी शेर से, भालू राम मुझे बचाओ। शेर यही है, शेर यही है, पेपा तो बात है कैसे भागू। शेर अब खुल के बाहर आ जाता है भालू को देखने के बाद। भालू राम उसको बहुत समझाते हैं, बहुत शेर नहीं कहता है, ये तो मेरा ही घर है। शेर तुम यहाँ से भाग जाओ, मगर मैं यहाँ से भागूंगा तो मैं यहाँ से भागने जा रहा हूँ, कुछ लेके जाऊँगा अपने खाने के लिए। भालू राम उसको बहुत प्यार से समझाता है। शेर भालू राम की तरफ आगे बढ़ता रहता है, मगर भालू राम कहते हैं शेर अपने हद में रहो, मगर शेर नहीं सुनता है, कहता है या तो आज तुम रहोगे या मैं। मगर ये भालू राम कहते हैं शेर हम देख लो, हम आपको रख देंगे, अगर आप चाहते हो तो हम आपको छुटा छोड़ देंगे। और शेर कहता है मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं जंगल का राजा शेर हूँ, मैं इन सबको खा के आऊँगा, मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाऊँगा। मगर शेर को ढूंढने के लिए भालू राम कहते हैं अभी हमारे पास तुम्हारा भी राज है शेर, टाइगर। शेर को हमने पहले ही समझाया था, इस शेर हमारे पास आया था, तो इस जंगल में गंदे शेरों को आने जाने लगी। थैंक यू भालू राम एंड सिंह एंड शेर, आपकी वजह से आज मेरा पूरा का पूरा घर वापस मिल गया है और मेरे को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मेरी जीप भी आप ले जा सकते हो जंगल में जाने के लिए। आज हम बहुत खुश हैं, हम अपने नए घर में भी आ गए, देखो मेरे सारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं यहाँ पर मेरी हेल्प करने के लिए। और अब मैं इस घर को बहुत अच्छे से सजाऊंगी क्योंकि दिवाली भी आने वाली है। अब हम यहाँ पर अपने जानवरों से सुरक्षित करने के लिए एक नई वॉल लगवाएंगे ताकि कोई गंदा जानवर अंदर ना आ सके। ओके बाय बाय, थैंक यू भालू भालू राम एंड सिंगम शेर, आपने बहुत अच्छे से बताया, थैंक यू, वेलकम। अब हम चलते हैं, ठीक है, बाय बाय पापा पिग एंड फैमिली, हैप्पी, बाय बाय।